इधर नालंदा जिले के राजगीर अनुमंडल पुलिस ने पर्यटकों के साथ लूटपाट करने वाले तीन अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 15 जनवरी को पर्यटक से लूटा गया मोबाइल बरामद किया गया। प्रेस वार्ता करते हुए डीएसपी प्रदीप कुमार ने कहा कि पर्यटक स्थल राजगीर में 15 जनवरी को करीब 4:30 बजे सूर्यकुंड जैन मंदिर के ऊपर नालंदा जिले के नगर नौसा क्षेत्र के निखिल कुमार से लूटपाट की थी। 4 अज्ञात अपराध कर्मियों ने दोनों के साथ मारपीट की थी और मोबाइल लूट लिया था, जिसका राजगीर थाने में मामला दर्ज कराया गया था। उस मामले में सफलता मिली है। राजगीर थाना अंतर्गत 15 जनवरी 2024 को विपुलांचल गिरी पहाड़ के ऊपर में कुछ घूमने आए बच्चों के साथ एक लूट का मामला दर्ज हुआ था थाना में। उसी को घटना गंभीरता को देखते हुए राजगीर थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था और अनुसंधान के क्रम में तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और लूटी गई मोबाइल को भी बरामद किया गया है। और इनसे पूछताछ के क्रम में एक और लूट की घटना जो राजगीर थाना कांड संख्या 479/23 दर्ज हुआ था, उसमें भी इन लोगों की संलिप्तता पाई गई है और इन्होंने अपनी अभियुक्ति को स्वीकार किया है इसी क्रम में। और एसआईटी टीम में जो सदस्य थे उसमें अभय कुमार थानाध्यक्ष राजगीर और पुवनी रवि कुमार और पीएसआई काजल कुमारी, पीएसआई सौरभ कुमार, पीएसआई आशीष मणि और राजगीर थाना के। खगड़िया के परबत्ता में फर्जी क्लिनिक चलाने वाले गिरोह पर शिकंजा कसा गया है। इस कार्रवाई में परबत्ता के एलेक्स सेवा सदन को फर्जी बताकर पदाधिकारियों ने सील कर दिया। पदाधिकारियों ने फर्जी क्लिनिक चलाने वाले संचालक संजय कुमार को गिरफ्तार किया है। Thank you.